अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो सातवां क्वेश्चन है वो दिखाया गया है चेयर जो है वुड से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी उसी प्रकार दिए गए हैं, पहले बुक जो है वो प्रिंट, तो बुक तो ऑब्वियसली प्रिंट से नहीं बनता। मिरर जो है वो ग्लास दिया गया है, प्लेट जो है वो फूड दिया गया है, और परचेज जो है वो मनी, तो ऑब्वियसली मनी है तभी हम परचेज कर पाएंगे, कोई चीज़ खरीद पाएंगे, और फूड जो है वो हम प्लेट में रख के ही खा पाएंगे, लेकिन फूड से प्लेट नहीं बनता और मनी से कोई खरीदारी खरीद सकते हैं लेकिन बनता कुछ नहीं है। तो हमारा सीधा सा आंसर है मिरर और ग्लास, मतलब ग्लास से ही मिरर बनाया जाता है। तो आंसर हमारा है बी मिरर। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है ए जेड एक्स इजिकल टू बी वाई डी डब्ल्यू, तो सिमिलरली एच क्यू जे ओ क्या होगा। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कैसे ये हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए जेड सी एक्स, तो यहाँ पर हम प्लस वन करेंगे तो हमें को मिलेगा यहाँ पर बी। सिमिलरली जेड से हम माइनस वन करेंगे तो हमें मिलेगा वाई, और सी से हम फिर प्लस वन करेंगे तो हमें मिलेगा डी, और एक्स जो है उससे सिमिलरली फिर से माइनस वन करेंगे तो हमें मिलेगा डब्ल्यू। तो ये हमारा मैच कर जा रहा है, आप देख रहे हैं बी वाई डी डब्ल्यू। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एच क्यू जे ओ, वही सिमिलर फॉर्मूला अपनाएंगे, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। एच से प्लस वन करेंगे तो हम मिलेगा आई, क्यू से माइनस वन करेंगे तो हमें मिलेगा पी, जे से प्लस वन करेंगे तो हमें मिलेगा के, और ओ से माइनस वन करेंगे तो हमें मिलेगा एन। तो हमारा आंसर आई पी के एन, सी वन इज द राइट वन, बहुत ही सिमिलर है, आप ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन पे, 8:66। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है क्या 8:38 होगा, बहुत ही सिमिलर सा सम है, हम इसे आराम से सॉल्व करते हैं। 66 माइनस 2 इज इक्वल टू 64। अब 64 का हम जब रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 8। यहाँ पर हमारा जो है 8 और 8 मिल रहा है, तो हमने आंसर करके दिखा दिया। सिमिलरली उसी प्रकार सबसे पहले हम 38 लेंगे, 38 से हम माइनस करेंगे 2 तो हमें मिलेगा 36। 36 का हम जब रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 36। 36 जो है इज इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर 6, और बी ऑप्शन इज राइट। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस तरह से है हम उसको उसी तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एक्यूएस, एक्यूरियम, एक्यूलिन, एक्वाटिक। तो सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट में एक्यूरियम, क्योंकि डिक्शनरी में इस तरह से ही वर्डिंग्स है, सॉरी। और उसके बाद है
सेकंड एक्वाटिक, देन थर्ड आएगा आपका एक्यूएस, और उसके बाद आएगा आपका एक्विलिन। बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।